जैसा हमको पता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा, और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर्स में इनकम का होता है वार्षिक आय, वो 1,20,000 रूपये होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रूपये किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी, कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अथवा व्यवसाय करता तो व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो धन में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है, उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी आय को बढ़ाना, जिसके कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का हमारा एक संकल्प, और उसमें भी जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूं, 5S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए, अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां हो करके शिक्षा अच्छी मिले, अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे एचकेआरएन के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था, और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में जो विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया, बहुत से लाभ उसका लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 1,80 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है, क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। साल भर तक ये लगातार चलेगा तो ये 1,80 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए, हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी, लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं,
कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। एचकेआरएन जो नया एक पोर्टल बनाया है उसमें भी अभी तक 4000 लोगों को और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए व्यवसाय काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको जिनके राशन कार्ड नहीं है ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी। तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने एडीसीज की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए दो टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800 180 2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये दो नंबर प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सके और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। उनको समाचार जाएगा कि आप लोग 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या का हल नहीं हुआ है तो आप लोग राशन के इस महीने के हकदार हैं ताकि आगे आने वाले समय में उसकी निस्तारण किया जा सके उसकी कंप्लेंट का। उसके बाद अगर उस श्रेणी में रहता है तो लेगा और नहीं रहता है तो फिर उसमें से उसका नाम हट जाएगा। जिन लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं वो तो 12 लाख के लगभग परिवार ऐसे हैं और 12 लाखों लोगों ने प्रयत्न करने के बाद भी जिनके कार्ड बनते नहीं थे तो एक साथ एक क्लिक से उनके कार्ड बनाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कभी नए कार्ड आज तक नहीं बने, पहली बार ये 12 लाख एक साथ बने हैं। तो इससे लोगों को बहुत एक प्रकार का सुविधा हुई है, बहुत लोग इससे प्रसन्न हैं। जिनके बीपीएल कार्ड कटे हैं उसमें से कई प्रकार हैं और एक्सक्लूजन के नाते उनको काटा है। 1,32,000 परिवार तो ऐसे निकले हैं जो ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला स्वाभाविक है कि वो इस रेंज से बाहर है तभी वो इनकम टैक्स भरता है। हो सकता है वो 2011 में उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही होगी लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद कभी किसी ने कटवाया नहीं अपने आप, अब उस डाटा को लिया है तो वो 1,32,000 परिवार और वो तो ठीक कराने के लिए भी वापस लौटे नहीं है, उनको पता लग गया है कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी ऐसे भी उसमें 51,589 लगभग ये लोग निकले हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी पेंशनर्स 2,100 नाम ऐसे हैं जो सरकारी पेंशनर्स निकले हैं। हो सकता है उस समय उन्होंने गलती से बनवा लिया हो, जो आज रिटायर होने के बाद सरकारी पेंशन ले रहे हैं तो भी पेंशनर्स का तो डाटा हमारे पास आया है, ऐसे परिवारों के भी राशन कार्ड कटे हैं। जिनकी वार्षिक आय सर्वे के बाद 1,80,000 से अर्थात जो इन श्रेणियों में नहीं है इसके अलावा जो है वो भी 3,44,000 है, उसमें जिन लोगों का सर्वे मानव किसी कारण से गलत है तो वो जो शिकायत करेंगे तो उनका दोबारा से सर्वे होगा और फिर उसमें अगर कोई गलती किसी कारण से हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा।